अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह पाक आप तमाम देखने वालों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। आज हम बनाएंगे ढाबों पे और होटलों पे जो बहुत ही मज़ेदार फ्राई माश की दाल मिलती है, बिल्कुल वही वाली दाल घर पे बनाने वाले हैं। तो ढाबों पे होटलों पे जाने की ज़रूरत नहीं है, ये मज़ेदार दाल आप घर में बहुत आसानी से बना सकते हैं। रेसिपी देखें, समझ आए, पसंद आए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माश की दाल बनाने के लिए ये मेरे पास एक कप माश की दाल थी और इसको मैंने भिगो के रख दिया था। तकरीबन 4 घंटे हो गए हैं, 3 से 4 घंटे हमने माश की दाल को भिगोना है। ये वाला कप मैंने लिया था, इससे मैंने दाल की मेजरमेंट की थी 1 कप, और उसके बाद मैंने दाल को भिगो के रख दिया था 3 घंटे के लिए। और 3 घंटे के बाद अब मैं दाल को धो के साफ़ कर लूँगी। तो ये देखें, दाल को मैंने तकरीबन 3 से 4 मरतबा बहुत अच्छे से धो के साफ़ कर लिया है, और इसमें किसी किस्म का दाना कंकर कुछ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ़ सुथरी दाल होनी चाहिए। उसके बाद हमने दाल को बॉयल करना है, ठीक है। पानी मैंने रख दिया था गर्म होने के लिए, और इसमें मैं डाल दूंगी ये दाल, और अब हमने दाल को बॉयल करना है। बहुत अच्छा बॉयल करना है कि दाल हमारी गल जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा हमने दाल को नहीं गलाना, लेकिन दाल अच्छी गली भी होनी चाहिए। तो ये देखें, दाल को पकते हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं, और मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये दाल बहुत ही बेहतरीन माशाल्लाह से गल चुकी है। दाल को हमने अच्छा गलाना है, लेकिन इसका दाना जो है वो साबित रहे, इस चीज़ का बस हमने ध्यान रखना है। दाल गली हुई भी होनी चाहिए और इसका दाना भी साबित होना चाहिए। अब मैं इस दाल को छान लूँगी। तो ये देखें, दाल को मैंने छान लिया है। ये आप दाने देख रहे हैं, एक एक दाना अलग अलग है। इस तरह से दाल होनी चाहिए, तभी फिर आपकी बिल्कुल ढाबा स्टाइल की दाल बनेगी। अब हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। 1 कप मैं लूँगी ऑयल। फ्राई दाल में ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा जाता है, परेशान नहीं होना है, क्योंकि जो ढाबा स्टाइल जो होटलों पे दाल बनती है उसमें ऑयल थोड़ा सा निकला हुआ होता है। तो मैं 1 कप ऑयल ले रही हूँ। 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट, मेरा ताज़ा कुटा हुआ लहसुन अदरक है जो मैं इसमें डाल रही हूँ। और अब हमने लहसुन अदरक को फ्राई करना है कि लहसुन और अदरक पे बड़ा अच्छा सा लाइट गोल्डन कलर आ जाए। मीडियम आंच पे हमने इसको फ्राई करना है जब तक ये अच्छा सा गोल्डन ही हो जाता। ये देखें, ये अब लाइट गोल्डन होना स्टार्ट हो गया है लहसुन अदरक। इसमें मैं बाकी की चीज़ें डालूंगी। ये तकरीबन 3-4 मेरे पास हरी मिर्चें थी, मैं आधी डाल रही हूँ, मोटी वाली हरी मिर्चें हैं, और गोल वाली लाल मिर्चें मैं इसमें डालूँगी 6-7, और लंबाई में कटावा अदरक इसमें जाएगा, ठीक है। अब हमने मज़ीद इसको फ्राई करना है कि ये सारी चीज़ें फ्राई हो जाएँ, और ये जो हरी मिर्चें हैं, लाल गोल वाली लाल मिर्चें हैं, और लंबाई में कटा हुआ अदरक है, इस पर भी अच्छा सा हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए। तो ये जब अच्छा सा भुन जाए, सारी चीज़ों की खुशबू आना स्टार्ट हो जाए, तो अब मैं इसमें डालूँगी टमाटर पिसे हुए। तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के टमाटर थे जिनको मैंने पीस लिया था, ये चले जाएंगे। अब तेज़ आँच पर हमने इसको भूनना है कि टमाटर का पानी जो है वो खुश्क हो जाए, ड्राई हो जाए। तो ये देखें, टमाटर का पानी काफ़ी हद तक जो है वो ड्राई हो चुका है, अभी थोड़ा बहुत है। अभी हमने इसमें डालने हैं मसाले, ताकि मसालों के साथ भी ये थोड़ा सा भुन जाए। तो ये मेरे पास पाउडर मसाले हैं, जिसमें 1/2 टीस्पून हल्दी है, 2 टीस्पून धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून पीसी हुई लाल मिर्च है, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है। लाल मिर्ची पाउडर आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। हरा धनिया मैं इसमें डालूंगी, ये मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ, आधी गड्डी है, लेकिन मैं थोड़ा सा अभी डाल रही हूँ, थोड़ा सा हम आखिर में डालेंगे। तो ये यहाँ पे हरा धनिया चला जाएगा, और अब हमने दोबारा से इसको भूनना है कि थोड़ा बहुत जितना भी टमाटर का पानी बचा है वो भी ड्राई हो जाएगा, और मसाले भी अच्छे भुन जाएंगे, और मसालों की अच्छी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए हमें। तब तक हमने मसालों को भूनना है, मसालों को कच्चा नहीं छोड़ना, जो मैं हर दफ़ा कहती हूँ कि मसालों की भुनाई बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए, मसालों को मैंने तकरीबन 3-4 मिनट तक भुना है, टमाटर का पानी भी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे ये बॉयल की हुई दाल। दाल हमारी गली हुई है, हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, सिर्फ 10-12 मिनट हमने इस दाल को इन मसालों के साथ भूनना है। फ्राई दाल है तो सिर्फ फ्राई करना है और कुछ नहीं करना है। हम इसको इतना भूनेंगे कि जितने भी मसाले हमने डाले हैं, इन सारे मसालों का फ्लेवर जो है वो दाल के अंदर अच्छा सा चला जाए, दाल फीकी फीकी ना रहे। तो हमने इसको बहुत अच्छा भूनना है, बस यहाँ पर भुनाई का काम है और कुछ नहीं करना है। मीडियम आँच रखी हुई है, मीडियम आँच पर मैं इसको भूनूंगी। पानी डालने की ज़रूरत नहीं है,
भुनी हुई दाल में पानी की ज़रूरत वैसे पड़नी तो नहीं चाहिए, अगर आपको पड़ती है तो थोड़ा बहुत आप डाल सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ दही, तकरीबन आधा कप जितना मेरे पास दही है, क्योंकि दही में भी पानी होता है तो पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। और 1 टीस्पून मेरे पास कसूरी मेथी है, ये मैं हाथ की मदद से थोड़ा सा क्रश करके डाल दूंगी कसूरी मेथी को। और 1/2 टीस्पून मेरा होममेड पिसा हुआ गरम मसाला, ठीक है, ये चीज़ें जाएंगी। अब दोबारा से हमने इसको भूनना है क्योंकि दही डाला है, दही में पानी होता है, तो इसी पानी के साथ मज़ीद मैं इसको 3 से 4 मिनट तक भूनूंगी। तो बस ये पानी ड्राई होने तक मैं इसको भून रही हूँ, तकरीबन 3 या फिर 4 मिनट लगेंगे ये पानी ड्राई होने में। तो ये देखिए पानी ड्राई हो चुका है। आखिर में मैं इसमें डालूंगी नींबू का रस, मैं आधा नींबू का रस इसमें डाल रही हूँ। और ये जो हरी मिर्चें मैंने थोड़ी सी बचाई थी, मोटी वाली हरी मिर्चें, ये इसमें चली जाएंगी। और लंबाई में कटावा अदरक, अदरक माश की दाल में बड़ा अच्छा रहता है क्योंकि माश की दाल थोड़ी सी हैवी बादी होती है, तो अदरक उसको हज़म करने में बड़ा अच्छा रोल प्ले करता है। और थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया हरा धनिया, जो चीज़ें हमने स्टार्टिंग में थोड़ी सी बचाई थी वही हमने आखिर में डाल दी हैं। इसको मिक्स करेंगे ताकि सारे मसाले इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं, इनकी खुशबू निकल कर आए, और ये ज़बरदस्त हमारी ढाबा स्टाइल फ्राई माश की दाल तैयार है, जो होटलों पे, ढाबों पे, हाईवे पे आप खाते हैं। तो फिर आज के बाद इधर उधर होटलों पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पे तकरीबन 15 मिनट पे ये मज़ेदार फ्राई दाल बना सकते हैं और घर में आप इसको एंजॉय कर सकते हैं बिल्कुल उसी स्टाइल से, उसी जायके के साथ। तो ज़रूर बनाइएगा और बनाने के बाद मुझे बताइएगा ये मज़ेदार फ्राई दाल आप लोगों की कैसी बनी।